भारत सरकार और NSCN IM के बीच नगा फ्रेमवर्क समझौते को विवादित विषय के रूप में देखते हुए मणिपुर के काकचिंग बाजार में छात्र संघ और विभिन्न नागरिक समाज मिलकर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों फ्रेमवर्क समझौते को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के समक्ष संभाषी RN रवि ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे यह साफ हो गया है कि अनुच्छेद 371A को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम में नगा के निवास क्षेत्र में विस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही यह मांग उठाई कि 16 अगस्त को मणिपुर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सभी विधायक सदन में यह निर्णय ले कि अनुच्छेद 371A को मणिपुर राज्य में विस्तारित नहीं किया जाएगा। At Kaching, we have resolved that the effects of this framework agreement must be confined to Nagaland state only, not to Article 371A. It is only for the districts of Nagaland, so it must not be expanded to the state of Manipur at any cost. Moreover, this assembly session must adopt once more reaffirm that the talks between NSCN IM and the government of India must never encroach upon the territorial or any sort of Manipur. त्रिपुरा पत्रकार संघ की पहल पर पानीसागर सब डिवीजन के अंतर्गत दमचेरा में 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्रॉस कंट्री रन का आयोजन किया गया। त्रिपुरा पत्रकार संघ ने तीसरी बार इस रैली का आयोजन किया था। रैली में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सुबह 6 बजे महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया और उसके बाद पुरुषों ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हालांकि पहले 3 विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ टीवी सेट, सिलाई मशीन और टेबल फैन प्रदान किया गया। पूरा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पिछले 4-5 साल से ये मैराथन आयोजित किया जा रहा है धमचरा में। धमचरा नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और आप लोगों को पता है कि ये बहुत इंटीरियर एरिया है, तो मिजोरम की नज़दीक है। तो यह इसे तो इतनी एंटरटेनमेंट के लिए और जो इतने सारे कुछ नहीं मिलता, फिर भी त्रिपुरा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजित किया जा रहा है हर साल। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एसोसिएशन की तरफ से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसा कोई मैराथन आयोजित करना चाहिए हर साल। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 13 अगस्त के दिन को देशभक्ति दिवस के तौर पर मनाते हुए मणिपुर के लोगों ने आज 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले राज्य के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद 5 स्वतंत्रता सेनानियों को सूली पर चढ़ा दिया गया था। राजकुमार तिकेंद्रजीत और जनरल थांगल को 13 अगस्त सन 1891 के दिन फांसी दी गई थी, इसलिए इस दिन को देशभक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इम्फाल के पोलो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। The spirit and the courage of our forefather, knowing that they will be defeated by the mighty forces of British, even then they did not surrender. They fight to maintain, to keep the independence and the sovereignty of the state during that time. That is the significance. असम से अवैध घुसपैठ की जांच के लिए मेघालय सरकार ने असम मेघालय सीमा पर 4 तलाशी चौकियां लगाई है।
असम से मेघालय में प्रवेश करने वाले हर मार्ग पर यह चौकियां लगाई गई है। एक अधिकारी ने हमें बताया कि इन चौकियों में प्रवेश करने वाले हर यात्री की तलाशी ली जाती है। इस दौरान उनसे कोई बदसलूकी नहीं की जाती। आपको बताना चाहेंगे कि असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद मेघालय का एक छात्र संघ असम से मेघालय में प्रवेश करने वाले यात्रियों का पर्सनल डाटा खंगाल रहा है, जिससे असम के लोगों और राजनीतिक पार्टियों में तीखी प्रतिक्रिया है। I am giving you these 7 only those tickets facing Assam border. Yeah. Actually, you will come from Assam only. So also there are in the Indo-Bangla border we have. On the Assam side, so to say, what our boys detected is a normal number, not excessive of what we normally used to detect. There was no abnormality in the number of detection. We normally used to detect sometimes 7, 8, sometimes even it goes up to 15. But now with the, you know, NGT ban, lesser people are detected because mostly they are laborers coming to find jobs in the coal mines. It has gone down. Special precaution we have already taken. Everybody has been alerted in the field, and this will continue. This will continue. For there is no harassment, we have properly briefed our men in the field that checking, of course, it will be very strict, but no harassment.